उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि ये कोशिश हो रही है उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा दें। अगर ऐसा लिखा गया समाजवादी पार्टी सड़कों पर खून बहा देगी। आपकी जन अदालत न्यूज पर बुंदेलखंड झांसी से सबसे बड़ी खबर। बलिया में जयप्रकाश पाल हत्याकांड को लेकर अब समूचे देश में आंदोलन सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां पर पाल बघेल समाज के साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो चुकी है। बुंदेलखंड झांसी में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद चंद्रपाल यादव एवं पूर्व विधायक दीपक यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला। पर समाजवादी पार्टी के लोहियावानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं फरियादी जयप्रकाश पाल के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा एवं शासकीय नौकरी दिलाने के लिए मांग की है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय बुंदेलखंड झांसी में हूं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहां पर किया है और यहां पर है पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव एवं लोहियावानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल एवं सांसद चंद्रपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का हुजूम उमड़ा है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो आज आंदोलन हुआ है उत्तर प्रदेश में, लगातार कई बार जो है इस प्रकार के हत्याकांड होते चले जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, सरकार पूरी तरह से विफल है। जिस उम्मीद से लोगों ने सरकार को बनाया था कि सरकार लोगों के हक में फैसले लेगी, फैसले भी नहीं लिए, सबका शोषण हुआ। वहीं लगातार घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। सरेआम भाजपा के लोग लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, प्रशासन सामने खड़ा है। इससे ज़्यादा खराब समय लोगों ने कभी देखा नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैला रखी है, जनता में जबरदस्त आक्रोश है, सब लोग अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जनमानस की जो नज़र है वो देखती है समाजवादी पार्टी की तरफ। इस लड़ाई में यदि कोई लड़ सकता है समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी के नेतृत्व में आज सब लोगों सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा आज ज्ञापन दिया गया और चेतावनी दी गई कि सरकार ने यदि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ज़मीन पर लड़ेंगे, सरकार को सबक सिखाएंगे, कोशिश करेंगे। सरकार जब तक नहीं हटे तब तक लोगों के हक में लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। तो इस समय दीप नारायण सिंह यादव सीधा हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। दीप नारायण सिंह यादव जी, जिस तरीके से मुजरिम को यदि सजा नहीं दी गई तो पाल समाज का भी एक आक्रोश पनप रहा है। पाल समाज ने ये मांग की है कि इसको फांसी की सजा होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे जिस तरह का बयान आ रहा है कि जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ तो किस तरह नर्म रवैया है। वहाँ विधायक उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। जिस तरह का विधायक का बयान आ रहा है, 120 की 20 बी के मुलजिम है, लगता है पहले से प्लान किया इन्होंने हत्याकांड, और उसके बाद उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बयान देखा होगा जिसकी हत्या उनके भाई क्या बोल रहे हैं, बेचारे वो बैठे हैं, उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि ये कोशिश हो रही है उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा दें। अगर ऐसा लिखा गया समाजवादी पार्टी सड़कों पर खून बहा देगी। समाजवादी पार्टी सड़कों पर खून बहा देगी। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव सीधे झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना है आप? आज पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। आपने अभी बलिया की घटना देखी, आपने हाथरस की घटना देखी, आपने गोंडा में घटना देखी, आपने बाराबंकी में घटना देखी, और ये झांसी में भी एक घटना हुई। तमाम प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जहां कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कहीं कहीं तो बदमाशों के द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन आपने देखा कि जो पुलिस के और प्रशासन के रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं SDM और CO, उनके सामने आम सभा में गोलियां चला करके एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, और सत्ता में रहने वाली पार्टी और वहां के विधायक उनकी मदद करते हैं। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, उन्हें तत्काल सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनसे अब प्रदेश संभल नहीं रहा है। प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज हो गया है। कोई किसी को मार दे, कोई किसी के साथ बलात्कार कर दे, किसी की इज्जत खराब कर दे, सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही है। इसलिए सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? हमने यही मांग की कि माननीय राष्ट्रपति जी को
हस्तक्षेप करना चाहिए कि पूरे प्रदेश में जो जंगल राज बना हुआ है, ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। तत्काल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, तत्काल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। झांसी बुंदेलखंड में तमाम पार्टी के नेता यहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में यहां पर आक्रोश व्यक्त था तमाम घटनाओं को लेकर के। और हमारे साथ यहां पर समाजवादी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के, संजय पाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जिस प्रकार की बलिया में हमारे पाल समाज के भाई जयप्रकाश पाल जी की 15 अक्टूबर 2020 को 1:30-2 बजे के बीच में SDM CO तमाम शासन प्रशासन के बीच में गोलियों से भूंज दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जयप्रकाश पाल के हत्यारे धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया जाता है, लेकिन पता नहीं कहां से उसी समय फ़ोन आ जाता है लखनऊ में बैठे आकाओं का और उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस विकट की, इस संकट की, इस घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में जिस प्रकार की अन्याय के खिलाफ अन्याय के साथ दे रहे हैं वहां के BJP के विधायक सुरेंद्र सिंह जी और तमाम BJP के कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पाल समाज के साथ देने का वादा निभाते हुए आज पूरे प्रदेश में जयप्रकाश पाल के हत्यारों को उचित दंड देने के लिए तथा परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी आदि देने के लिए पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है, हम सब समाजवादी पार्टी के भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। और पाल समाज का तो एक ही नारा है इस बार कि ये पाल समाज का नारा है, अखिलेश भैया दोबारा हैं, जय पाल समाज, जय समाजवाद। इस समय हमारे साथ सीधा झांसी से संजय पाल जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष।